हाय गाइस, मैं हूं एंड वेलकम बैक टू द 5 पॉइंट रिव्यू। बैक टू बैक हफ्ते में दो वीडियोस निकालने के बाद आई वाज लाइक कि भाई साहब तो काफी क्रेजी कर लिया, लेकिन इंटरनेट पे असली क्रेजी तो दो लोगों ने करा हुआ है। सबसे पहले तो जिनका जब देखो दिल पुकारता रहता है कि आजा भैया इंटरनेट खोलो, तो या तो लोग अपने कलीरा हिला हिला के गिरा रहे या फिर उनके दिल पुकारे चले जा रहे हैं, आजा आजा आजा। मैंने कहा भाई साहब परेशान हो गया हूं, कौन है जो आके नहीं दे रहा है? इंसान बुला बुला के थका जा रहा है। लौंडे जो है भाई साहब राहत इंदौरी साहब की बात को सीरियसली लेके बैठ गए। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। फिर दूसरा क्रेजी किया रविश कुमार भाई साहब ने। जी हाँ गाइस, प्रॉफिट टीआरपी और रेलेवेंस के बाद अब रविश कुमार ने भी फाइनली एनडीटीवी छोड़ ही दिया। और रविश कुमार का एनडीटीवी छोड़ना ठीक वैसे ही है जैसे टाइगर श्रॉफ का उछलना छोड़ देना, केआरके का हगना छोड़ देना और अर्चना गौतम का बिना बात पे चे 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 करके चिल्लाना छोड़ देना। बट एनीवे गाइस, बिना रविश कुमार के एनडीटीवी खरीद देना इज लाइक गाड़ी खरीदना विदाउट द इंजन। मैं इस लफड़े में क्यों पढूं? रविश कुमार के तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मेरे तो 50,000 हो गए ना दे रहे। 1 लाख के तो सपने देखना छोड़ दिए भाई साहब मैंने, 50,000 वही बहुत है अपने लिए। खैर, इस हफ्ते एक और क्रेजी चीज करी आयुष्मान खुराना ने, जो कि आपकी एक फिल्म लेके आया नॉट अ मॉरल साइंस लेसन। इस हफ्ते में गया एन एक्शन हीरो देखने और अगले 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों। पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट बेस्ड है मेरी दो फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे, लंदन एंड हरियाणा। लंदन इसलिए क्योंकि मैं अभी रिसेंटली वहीं से होकर आया, और हरियाणा इसलिए क्योंकि भाई साहब दाल रोटी के पैसे वहीं से आते हैं, आई मीन गुड़गांव से। आयुष्मान खुराना प्लेज द कैरेक्टर ऑफ अ बॉलीवुड सुपरस्टार कॉल्ड मानव, जो कि हरियाणा आते हैं शूटिंग करने के लिए, और शूटिंग करने के बाद वो एक्सीडेंटली अपने एक फैन का मर्डर कर देते हैं। और ऐसे कोई ऐरा गहरा मर्डर नहीं करा भाई कि गाड़ी वाड़ी चला के निकल गए भग गए तब भी स्टार है, वो मर्डर करते हैं निगम पार्षद भूरा सोलंकी के छोटे भाई यानी कि विक्की सोलंकी का। और मर्डर करने के बाद आयुष्मान खुराना वही करता जो मैं 2-3 वीडियोस करने के बाद कर देता हूं, गायब हो जाते हैं। जिसका मर्डर हुआ उसके भाई है भूरा सोलंकी, विच इज ऑफ कोर्स प्लेड बाय जयदीप अहलावत। वो भाई साहब अगले दिन ही ठान लेते हैं कि भाई साहब मैं जाऊंगा इसका बदला लेने के लिए, और सीधा पहुंच जाते हैं इनके पीछे पीछे लंदन। अब वहां शुरू होता है इनके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैट एंड माउस सीरीज, जहां कभी मानव आगे तो कभी भूरा पीछे, कभी भूरा पीछे तो कभी मानव आगे पीछे, यही करते करते पूरे 2 घंटे निकल जाते हैं। और ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि फिल्म का प्लॉट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। एक सिंपल कैट एंड माउस चीज में नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती रहती है, नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, दैट कीप्स यू इंटरेस्टेड ऑल थ्रू द फिल्म। सो फॉर द प्लॉट, गुड जॉब। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म। सौ बात की एक बात, जयदीप अहलावत ने मेरे हिसाब से अपने लाइफ में कोई खराब रोल नहीं करा है, और यहां पर भी ही इज बैंग ऑन। ऑफ कोर्स ही कम्स फ्रॉम हरियाणा एंड व्हिच इज व्हाई परहैप्स उनकी कैरेक्टर उसके एक्शन में पकड़ लाजवाब है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन बॉलीवुड अ हरियाणवी कैरेक्टर इज नॉट जस्ट एन ओवर सेंसिटिव ओवर रिएक्टिव एंग्री यंग फेलो जो कि ना को ना बोल देता है एक्सेंट के नाम पर। लुकिंग एट यू आमिर खान फ्रॉम दंगल, इतना तो नहीं मारना चाहिए था। जयदीप अहलावत ने पूरी फिल्म में मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करा, जितनी बार वो स्क्रीन पर आते थे उनकी प्रेजेंस, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका एक्शन सब A1 लगा। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना इज इक्वली गुड, ही इज ऑफ कोर्स अ वर्सेटाइल एक्टर एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही इज ट्राइंग दिस न्यू काइंड ऑफ थिंग्स, और वो रेगुलरली मॉरल साइंस वाली पिक्चरें करना थोड़ी सी बंद कर रहे हैं। सो ओवरऑल इन दोनों की परफॉर्मेंसेस मुझे काफी अच्छी लगी, जब दोनों एक साथ फ्रेम पर आते थे तो समझ में नहीं आता कि इधर देखूं इधर देखूं इधर देखूं इधर देखूं। पॉइंट नंबर 3, द राइटिंग ऑफ द फिल्म। अनिरुद्ध अय्यर और नीरज पांडे का स्क्रीन प्ले इज द एक्चुअल विनर ऑफ दिस फिल्म। जो बढ़िया प्लॉट था उसके ऊपर जो चमचमाती हुई इमारत है वो भाई साहब इनकी राइटिंग ही है। जेन्युइनली फिल्म के डायलॉग्स और कॉमेडी पर आपको हंसी आती है। जैसे ही आपको लगने लगता है कि फिल्म थोड़ी सी ड्रैग हो रही, वहां पर एक नया कैरेक्टर, एक नया प्लॉट या फिर कोई बेहतरीन पंच इंट्रोड्यूस हो जाता है विच कीप्स यू बाइंडेड टुगेदर इन द फिल्म। फिल्म एक डार्क सा ह्यूमर है और सारे के सारे पंचेस लैंड करते हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई दिस फिल्म हैज मूव्ड फ्रॉम बीइंग एन एवरेज फिल्म टू बीइंग अ गुड फिल्म। पॉइंट नंबर 4, द लैक ऑफ लॉजिक इन द फिल्म। फिल्म के अंदर एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, इमोशन है, सब कुछ है, बट लॉजिक नहीं है। भैया जयदीप अहलावत अपने भाई के मर्डर के ठीक अगले दिन सोचते हैं कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे, बैग बांधते हैं और पहुंच जाते हैं लंदन विंडो सीट पकड़ के। मैंने कहा दुनिया तो चूतिया जो वीजा लगवा रही है, जाके अंगूठे के ठप्पे दे रही है, ये तो भाई साहब ऐसे चलते बने वहां पर। खैर ये लोग पहुंच जाते लंदन भाई साहब, लंदन में पुलिस ऐसे दिखाई कामरान अकमल जैसी, कुछ नहीं पकड़ पा रही भाई साहब, वो किसी को नहीं पकड़ पा रही, और सबके हाथ में बंदूक है, बात बात पे लोग बंदूक निकाल लेते। मैंने कहा भाई साहब इतने तो थिएटर में लोग अपनी बंदूक नहीं निकाल ले जितना पिक्चर में हर कैरेक्टर अपनी बंदूक निकाल के चलाए दे रहा है, धाए 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 धाए। खैर दूसरी बात है कि थिएटर में धाए धाए थोड़ी जल्दी बंदूक, थिएटर में तो पुच पुच चलती है। बट एनीवे फिल्म के बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप लॉजिक को क्वेश्चन करेंगे, बट इवेंचुअली यू विल एंड अप इग्नोरिंग ऑल ऑफ दैट जस्ट लाइक यू इग्नोर लॉजिक ऑन द न्यूज चैनल्स दीस डेज। और दोनों का रीजन एक ही है कि लॉजिक होना हो कॉमेडी बढ़िया है।
पॉइंट नंबर 5 एंड इन माय ओपिनियन द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म कि फिल्म में थैंकफुली एक अननेसेसरी लव एंगल एक्सप्लोर नहीं किया गया है। फिल्म के अंदर भैया कोई हीरोइन नहीं, कोई अननेसेसरी लव एंगल नहीं है। आई थिंक द डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स रियलाइज दैट द फिल्म ऑर्गेनिकली डज नॉट नीड अ लव एंगल और उन्होंने उससे दूर ही रहे अपने आप को, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। बट उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए आपके लिए एक आइटम नंबर रखवा दिया गया मलाइका अरोड़ा का और एक आइटम नंबर रखवा दिया गया नोरा फतेही का। भाई आधी जनता के तो पैसे वहीं वसूल हो गए मलाइका अरोड़ा को देख के, और अगर आप भी देखने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा पैसे वसूल क्यों हुए। बाकी मेरे हिसाब से आई वुड लाइक टू गिव दिस फिल्म 3 stars out of 5। मुझे ओवरऑल पिक्चर काफी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंगली कॉमेडी एलिमेंट्स इंटैक्ट थे, थोड़ी सी कहीं कहीं जहां पे लगा कि ड्रैग थी। और मेरे हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो देख लें, बाकी OTT पर आएगी तब भी देख सकते हैं, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन द थिएटर एक्सपीरियंस। भाई कल OTT रिलीज फ्रेडी के बारे में लेकर आऊंगा और इतना क्रेजी करूंगा कि भाई साहब कंसिस्टेंटली वीडियोस चलती चली आ रही हैं, नजर लग जाएगी अपने आप को ही। एनीवे गाइस, सी यू टाटा सेम नाइट, बाय 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 बाय।